एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने के बाद पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय है। हर कोई उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर अपनी अपनी राय जाहिर कर रहा है। हर कोई उन पर मोदी विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं एक वक्त उन्होंने मोदी पर किताब लिखने वाली मधु किश्वर पर तंज कसने वाले सवाल किए थे, जिसे लेकर मधु किश्वर ने पुण्य प्रसून वाजपेयी को आड़े हाथों लिया था। देश की जानी मानी लेखिका और पक्षकार मधु किश्वर ने एक समय पुण्य प्रसून वाजपेयी को उनके पूछे गए तीखे सवालों के लिए घेरे में लिया था और जमकर सुना दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था, साहित्य और विचारधारा पैनल पर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने सिर्फ मुझसे सवाल पूछा कि मैंने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी। मधु ने आगे कहा था, मुझे समझ नहीं आता मोदी के पीएम बनने के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी उनका इतना खुलकर विरोध क्यों करने लगे हैं, किताब लिखना क्या गुनाह है। इसके आगे मधु किश्वर ने पुण्य प्रसून वाजपेयी को ललकारते हुए कहा, बहादुर बनो और सीधे मोदी से कहो मेरे ऊपर इतना जहर उगला गया। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।